हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मशाला में पुलिस मैदान में कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने समारोह के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विपिन सिंह परमार ने स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान, निस्वार्थ त्याग और बलिदान को याद किया। उन्होंने बहुमूल्य सेवाओं के लिए भारतीय सेनाओं के जवानों का भी आभार जताया। उन्होंने हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश आज ही के दिन 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आने के बाद इस छोटे से पहाड़ी क्षेत्र ने तेजी से विकास का सफर तय किया है तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, दुर्गम क्षेत्र और अन्य जटिलताएं भी यहाँ के मेहनती लोगों के हौसले व साहस को कम नहीं कर पाई। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम धर्मशाला में मुझे आने का मौका मिला और शहीद स्मारक में उनको याद करने का, पुष्पांजलि सलामी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन वीर सपूतों ने इस देश की अखंडता के लिए या जब जब भी देश के लिए ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ और संदेश यही है कि हम शून्य से शिखर की ओर बढ़े। इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पूरे देश की तरफ देखें तो हिमाचल प्रदेश के लोग अपने काम के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति बहुत समर्पित हैं और उसी के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम श्रेष्ठ राज्यों में बने, इस दिशा में वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्णिम जयंती के रूप में भी ये वर्ष मनाया जा रहा है। जहाँ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे, ये सरकार की भी योजना है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय हम कोरोना की चपेट में जो लहर है वो बहुत तेज गति से समाज को प्रभावित कर रही है। जहाँ इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पर हम मास्क का, 2 गज की दूरी का इत्यादि नियमों का जरूर पालन करें ताकि हम बा हमारा समाज सुरक्षित रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ।